एक्चुअली बहुत आगे से स्टार्ट करी हुई थी तो समझ नहीं आई। रिकॉर्डिंग तो कभी भी देख लो तो अवेलेबल है। ध्यान से सुनना कि अगले महीने का टेस्ट हो कोई पाने वाली बात ना। ये सीरीज है, इस सीरीज में जो भी फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म ए, तो ए कहते हैं स्मॉल ए का मतलब जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो क्या है, इसका मतलब -1 कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म जो भी है पहले सेकंड टर्म लिखना है, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म, पहले सेकंड टर्म लिखना है फिर माइनस फिर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा इसका कॉमन डिफरेंस 3 माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो गया 4। इसके कॉमन डिफरेंस कितना है 4। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म। अब इसकी जो मान लो 10th टर्म निकालना है एक भी में, 10th टर्म होता है a प्लस d, a कम कर दो तो 9d। अगर मान लो 12th टर्म निकालना है तो वो क्या होगी a प्लस 11d, इसमें से कम कर दो 11d। अगर 20th टर्म निकालना है क्या होगी a प्लस 19d, a प्लस 19d। अगर 9th टर्म निकालना है क्या होगी 9th टर्म, a प्लस 8d। अगर nth टर्म निकालना है तो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 d। पीएफ टर्म निकालने है एपी की तो ए प्लस माइनस 1 इनटू डी। अगर आरएफ टर्म निकालने है एपी की ए प्लस आर माइनस 1 इनटू डी। अगर 20th टर्म निकालने है एपी की ए प्लस 19 प्लस 19 डी। 7th टर्म ऑफ द एपी ए प्लस 60। क्यूएफ टर्म ऑफ द एपी ऐसे निकालते कोई भी टर्म निकाल लो। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है बताओ हमारे हिसाब से, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी का मतलब -1। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म लिखने पहले ऐसे पहले सेकंड टर्म फिर माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर जो पहले सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म सॉल्व करें तो कॉमन डिफरेंस 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। इस एपी की फाइंड करना है हमको, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 95
ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट। ये सेकंड। थर्ड। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? फोर का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 11। 15। ऐसे चलते चलते ये कौन सी टर्म है ये फाइंड करना है। जब कोई भी टर्म नहीं पता तो मान लो ये nth टर्म है, कौन सी 95 मान लो किसके इक्वल है? nth टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी की कौन सी टर्म 95 है ये पूछा है, कौन से नंबर पर 95 आ रहा है नहीं पता, तो मान लो nth टर्म है 95। nth टर्म क्या होते हैं एपी में? फार्मूला a प्लस n माइनस 1 और जो भी nth टर्म है वो इक्वल है 95। a को हटाकर क्या लिखेंगे? माइनस 1 प्लस n का मतलब नंबर नहीं पता कि कौन सी टर्म है नहीं पता, तो nth टर्म का मतलब n तो n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4 इज इक्वल टू 95। क्या करेंगे आप? n को यहाँ पर 25 डाल दो, तो 25th टर्म जो है वो 95 है। ये कौन से नंबर पर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन ये कौन से नंबर पर आएगा? 25th टर्म ऑफ द सेप इज 95। हम बताओ क्या गिवन है इसमें? फर्स्ट टर्म ऑफ द सेप इज माइनस 1, कॉमन डिफरेंस निकालना, सेकंड टर्म माइनस जो फर्स्ट टर्म माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 3 प्लस 1 4। ये कौन से नंबर पर है नहीं पता, जब भी कोई टर्म नहीं पता तो मान लो लेट 95 कौन सी टर्म है इज मान लो 95 nth टर्म है, तो nth टर्म ऐसे लिखते हैं आप a nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इनटू d इज 95। a का मतलब क्या है? माइनस 1। क्या मतलब a की वैल्यू? माइनस 1। अगर ये पूछते मान लो 103 इसकी कौन सी टर्म है तो क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म क्या है? कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 3 प्लस 1 4। ये कौन सी टर्म है नहीं पता, नहीं पता तो मान लो 103 कौन सी टर्म है? nth टर्म है। क्या फॉर्मूला होता है nth टर्म? अगर nth टर्म ए की तो a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 103। a का मतलब क्या है? जो फर्स्ट टर्म है माइनस 1 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 4 इज इक्वल टू 103। आप क्या लिखेंगे? माइनस 1 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 103। कितना हो गया ये? माइनस 5 प्लस
plus 4n is equal to 103. अब 4n is equal to 103 plus 5. 4n is equal to 28. तो n क्या रहेगा? 27. कौन से नंबर पर ये टर्म आएगी? 27. ये फर्स्ट नंबर पर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डैश डैश, ये 27 टर्म है इस एपी की. नेक्स्ट एक एपी है 4914. इसके कौन सी टर्म 124 है ये बताना है. इस एपी के कौन से नंबर पर जो टर्म है वो 124 है बताओ. कैसे स्टार्ट करेंगे? ए का मतलब फर्स्ट टर्म, इसके क्या है? 4. कॉमन डिफरेंस इस ए का 7 माइनस फर्स्ट, तो कितना आ गया? 5. ये कौन से नंबर पर टर्म है नहीं पता. मान लो एनथ जो टर्म है वो 124 है. अब ये प्लस का तो 4 है और माइनस का 5 है, माइनस का बचा 1, प्लस 5 है इज इक्वल टू 124. अब 5 n = 125 डाल दो. इसका मतलब 25th टर्म जो है दैट इज 124. कौन सी टर्म है 124? बताओ कैसे करना है. पहले a का मतलब फर्स्ट टर्म इज ऑब्वियस है, इज 4 कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, ऐसे सेकंड माइनस फर्स्ट तो 5. ये कौन सी टर्म है 124 नहीं पता, तो मान लो लेट इट बी द nth टर्म ऑफ द ap. अब a का मतलब फर्स्ट टर्म 4 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस तो 5 इज इक्वल टू 124. अब 4 प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 124. क्या बचा इन दोनों में? माइनस का 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 124. 5n इज इक्वल टू 125 हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू 25. तो ये कौन सी टर्म हो गया? 25th टर्म ऑफ दिस एपी. एपी में जो 24 फिफ्थ नंबर पर आएगी वो कौन सी टर्म है? 24. इस एपी में क्या दिख रहा है? फर्स्ट टर्म साफ दिख रहा है कि 3 है. कॉमन डिफरेंस भी पता चल रहा है, सेकंड माइनस द फर्स्ट, तो कितना आएगा? 3. इस सीरीज में कितनी टर्म्स है टोटल ये बताना है. ये कौन से नंबर पर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिस नंबर पर ये है उतनी टर्म्स है. मान लो ये 20th टर्म है तो 20 टर्म्स हो गई, अगर ये 30th टर्म है तो 30 हो गई. तो ये पता करना है ये कौन से नंबर पर है, कौन सी टर्म है ये 111. नहीं पता तो लेट, मान लो 111 इस एपी की nth टर्म है. कौन सी टर्म है? मान लो इस एपी की nth जो भी टर्म है, nth टर्म है वो 111. इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? इसके नीचे a plus n minus 1 is equal to 111. अब a का मतलब जो भी इसकी फर्स्ट टर्म है वो है 3 plus n minus 1 into जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 is equal to 111. अब 3 प्लस और क्या आएगा? माइनस 3 इज इक्वल टू 111. ये कैंसिल, क्या बचा? 3n इज इक्वल टू 111. n इज इक्वल टू 111 अपॉन 3, 37. तो n को क्या लिख देंगे यहां पर? 37. अब क्या कहेंगे? 37th टर्म है. कौन सी टर्म? 37th टर्म जो है वो 111. ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन से नंबर पर है? 37 टर्म है. कौन सी टर्म है ये? 37. तो इस एपी में कितनी टर्म्स टोटल दिख रही है? 37. इससे ज्यादा कोई टर्म नहीं, जो भी लास्ट टर्म है उतनी नंबर ऑफ टर्म्स है. हम बताओ क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? जो फर्स्ट टर्म है इस एपी के साथ दिख रहा है 3 है,
कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट को तो आएगा 3। ये कौन से नंबर पर है? n नहीं पता, जब भी कोई टर्म नहीं पता कि ये कौन से नंबर पर है तो लेट मान लो 111 इज द nth टर्म ऑफ दिस ap। अब क्या बचा? 111 अपॉन 3 क्या आएगा? तो n 37 है, नंबर ऑफ टर्म्स 37 है, तो ये जो टर्म है वो क्या होगा? 37। ये कौन सी टर्म है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये कौन से नंबर का है? 37 टर्म। तो कोई पूछे इस एपी में कितनी टोटल टर्म्स है? 37 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक एपी है, दूसरी एपी भी जरा क्या डिफरेंट, ये एपी है, ये दो एपी हैं। इस एपी की कोई पूछे फर्स्ट टर्म तो हम बता सकते हैं माने कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 1 क्या आएगा? 6। सेकंड एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 69, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, क्या बचा? ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये माइनस, माइनस वन। उस क्वेश्चन में पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन सो दैट इट्स nth टर्म एंड इट्स nth टर्म आर सेम। क्या चीज सेम है? इसकी nth टर्म निकाल लो और इसकी nth टर्म दोनों सेम है, सेम मींस इक्वल है। इसकी nth टर्म कैसे निकाले, कोई निकालना चाहे? इसकी nth टर्म अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। तो इसकी अगर nth टर्म निकालना है तो क्या होगी इसकी nth टर्म? a तो 1 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 6, तो क्या आएगा? 1 प्लस 6n माइनस 6, तो क्या बचा आंसर में इन दोनों में से? तो क्या बचा? माइनस फाइव प्लस सिक्स है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या चीज है ये? nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की nth टर्म ये। अब इसका कर लो काव्य सिर्फ एक कनेक्टर ऐड कर लो, इसकी nth टर्म बताओ कैसे निकालेंगे, हाउ वी फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस एपी। सेम फार्मूला होता है, a माइनस 1 प्लस माइनस 1 n माइनस 1 इनटू d। तो a का मतलब जो भी इसकी फर्स्ट टर्म है पहले वो लिख दो 69 प्लस n की जगह n ही रहेगा, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है माइनस 1, तो क्या आएगा 69 प्लस n। इसको इससे करेंगे माइनस n माइनस n प्लस माइनस माइनस प्लस 1। अब ये भी प्लस, ये भी प्लस, 70 माइनस n, ये क्या है? इसकी nth टर्म ये है, इसकी nth टर्म ये है, और दोनों की nth टर्म क्या है? सेम है। सेम का मतलब जो भी इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम का मतलब इक्वल है, तो n आ जाएगा यहाँ पर तो 6 n है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस n इज इक्वल टू 70 और प्लस 5, यहाँ पर बचा 7n is equal to 75, n is equal to 15, 75 by 7 कैंसिल नहीं होता, ये छोड़ो। इसका मतलब n का मतलब क्या है? 75। तो अगर इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म सेम है, ये इसकी nth टर्म, ये इसकी nth टर्म, अगर ये सेम है तो n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो गया? 75/7। अब बताओ दो ap है, ये फर्स्ट ap है, ये सेकंड ap है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? इसकी nth टर्म निकाल लो और इसकी nth टर्म निकाल लो, दोनों की nth टर्म क्या है? सेम, सेम का मतलब इक्वल है, तो n की वैल्यू निकालना है। पहले इस ap की फर्स्ट टर्म हमको पता है क्या है? 1। इस ap का कॉमन डिफरेंस 7-6, तो इस ap की nth टर्म निकाल लो, कैसे निकलेगी nth टर्म? n माइनस 1 इनटू d, व्हाट इज a? 1, a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 6, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 प्लस 6n माइनस 6, क्या बचा? ये प्लस ये माइनस, माइनस का 5,
प्लस सिक्स एन, ये क्या आएगा? nth टर्म। इस एपी के nth टर्म तो ये है, सेकंड एपी के nth टर्म जैसे इसका ये है 69, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म 68 सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म तो ये आएगा माइनस 1। इस एपी की nth टर्म निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे nth टर्म? a प्लस n माइनस 1 इनटू t, व्हाट इज a 69 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस तो माइनस 1। क्या आएगा यहां पर आंसर? 69, इसको इससे करा माइनस n प्लस 1, क्या हो गया ये 70 माइनस। क्या गिवन स्टेटमेंट में इसकी ये nth टर्म और इसकी ये nth टर्म दोनों सेम है, मींस इक्वल पुट कर दो। अब यहां पर 6n है, ठीक है, ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस n इज इक्वल टू 70 प्लस 5, तो 7n इज इक्वल टू 75, n इज इक्वल टू 75/7। क्या मीनिंग हुआ इसका मतलब? कि अगर इसकी nth टर्म और इसके nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू ये है। क्वेश्चन यही था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इट्स nth टर्म एंड इट्स nth टर्म आर सेम, तो अगर इन दोनों की nth टर्म सेम है तो n की वैल्यू ये आएगी। यार ऐसा सबको समझ? इस क्वेश्चन में फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, कौन सी टर्म निकालना है? लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, लिख रखा है 10th टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्या है? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये क्या है? फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। कितने का डिफरेंस है वैसे? 5 का है ना, तो इससे पहले आएगा 49, ये क्या हो गया? सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, इससे पहले आएगा 44, ये क्या है? थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, है ना। इसी तरह कौन सी निकालना है हमको? और कहां से निकालना है? फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए पहले लास्ट टर्म लिखेंगे, फ्रॉम द एंड के लिए लास्ट टर्म क्या है? 54, कॉमन डिफरेंस तो वही निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट तो हो गया 5, है ना। तो अगर 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसके लिए पहले फ्रॉम द एंड पे हमेशा लास्ट टर्म पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एल, उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आएगा, 10 माइनस 1 क्या हो गया? 19, ये होगा 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अगर 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो कैसे निकलेगा? लास्ट टर्म 54 माइनस 9, कॉमन डिफरेंस 5, क्या होगा इसको? 45 माइनस करके 9, तो ये है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। कौन से ये? ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। आगे समझ? अब मान लो ये पूछते हैं 8th टर्म निकालो, खाली 8th टर्म पूछे तो 8th टर्म का मतलब a प्लस 70 वो निकल जाएगा, लेकिन स्पेसिफाई कर रखा है 8th टर्म कहां से निकालना है? फ्रॉम द एंड निकालना है, बिगिनिंग से नहीं, कहां से? फ्रॉम द एंड। जब भी फ्रॉम द एंड हो तो फर्स्ट टर्म की जरूरत नहीं होती, लास्ट टर्म की जरूरत होती है। क्या है लास्ट टर्म? 54, और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट तो 5। अब मान लो 8th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, फ्रॉम द एंड l माइनस, तो पहले लास्ट टर्म लिख दिया, फ्रॉम द एंड के लिए लास्ट टर्म लिख दिया माइनस 8 क्या होता है? 70, लास्ट टर्म तो दिख ही रहा है हमको 54 है, माइनस 7 कॉमन डिफरेंस 5, 35 माइनस करके 90, तो 90 क्या है? 8 टर्म, कहां से 8 टर्म? फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। ये एक एपी है, इसमें निकालना है 12th टर्म फ्रॉम द एंड, क्या निकाल रहे इसमें? देखो निकालो 12th टर्म फ्रॉम द एंड, कैसे निकालेंगे? नहीं
वाला कौन सा टर्म का है? कौन सा क्यों निकालना है। 11th term from the end, कौन सी term निकालना है? 11th term from the end।
फ्रॉम द एंड के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट वर्स पता है लास्ट नंबर सिक्स कॉमन डिफरेंस वो भी पता है सिक्स है कौन से निकालना है इलेवंथ कहाँ से निकालना है इलेवंथ फ्रॉम द एंड के लिए सबसे पहले इतना लास्ट का जो है माइनस इसमें से एक माइनस कर दे तो टेन इनटू डी क्या लास्ट टर्म आपको पता है 96 माइनस 10 इनटू कॉमन डिफरेंस 6 ये 60 माइनस करके क्या आएगा 36 ये आ गया ना फ्रॉम द एंड निकालना इसमें निकालना है सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए लास्ट टर्म पता होना चाहिए 100 कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस तो क्या आएगा 4 कौन सी निकालना है हमको सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड 4 कॉमन डिफरेंस क्या है 4 सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड तो लास्ट टर्म माइनस इसमें से एक कम कर देंगे 6 क्या लास्ट टर्म पता है हमको 100 माइनस 6 कॉमन डिफरेंस 4 ये माइनस कर दो तो 76 क्या है 76 इसमें अगर सेवन टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे तो वो क्या हो गया 76 आर्यन बताओ इस क्वेश्चन में निकालना है 12th टर्म फ्रॉम द एंड ये लिख रखा है फाइंड 12th टर्म और लिख रखा है फ्रॉम द एंड From the end, last से 12th term कौन सी होगी? A पता है 201 and common difference. From the end में A की कभी जरूरत नहीं होती. L. L 201 and common difference 2. जब भी from the end हो तो सबसे पहले last term पता होना चाहिए L. Last term पता है 201 है. Common difference पता होना चाहिए. तो second minus first तो common difference 2. हमको क्या निकालना है? 12th term from the end. अगर 12th टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड तो क्या फार्मूला होता है उसके लिए पहले लास्ट टर्म माइनस 11 इसमें से कम कर दो 11d लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी 201 माइनस 11 कॉमन डिफरेंस ये 22 जो इसमें से माइनस करा 179 क्या है 179 वो भी फ्रॉम द एंड फर्स्ट टर्म सेकंड फ्रॉम द एंड ये आंसर है ये दो एपी है फर्स्ट एपी है सेकंड वो है इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म बी इसका जो कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 तो 7 इस एपी की अगर nth टर्म आपसे पूछे तो क्या बताओगे nth टर्म इस एपी की जो भी nth टर्म है वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इनटू d टू d a का मतलब जो इसकी फर्स्ट टर्म है d प्लस n minus 1 into common difference 7 तो क्या आएगा plus 7 n minus 7 क्या बचा आंसर में ये plus 7 minus का 4 plus 7 है ये क्या चीज है ये nth term इसकी जो nth term है from the end ये from the beginning ही है ठीक है normal जो nth term from the beginning इसकी nth term निकालना है सबसे पहले फर्स्ट टर्म 63 पता होना चाहिए पता है 63 कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस तो क्या आएगा इस एपी की अगर nth टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगी nth टर्म प्लस n माइनस 1 इनटू d a का मतलब क्या है भाई प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस तो आएगा 63 2n माइनस 2 इन दोनों में से क्या बचा 61 अब स्टेटमेंट पे कह रखा है इस एपी की जो nth टर्म है ये और इस एपी की जो nth टर्म है वो इक्वल है क्या इन दोनों के nth टर्म क्या है सेम है इक्वल है तो इसके nth टर्म हमने निकाला और इसके nth टर्म दोनों क्या है सेम है सॉल्व कर लो 7n यहां पर है माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4 तो इसका मतलब 5n is equal to 65 तो n is equal to 65 upon 5 n का मतलब 30 तो ये कहना चाह रहे हैं n का मतलब number of terms
वो कह रहे हैं इसकी 13 टर्म निकालोगे और इसकी 13 टर्म दोनों सेम पाएंगी। किस वैल्यू के लिए दोनों की सेम है? 13। मींस इसकी 13 टर्म और इसकी 13 टर्म दोनों निकालोगे तो सेम होगी। बताओ फर्स्ट एपी में क्या दे रखा है इसमें? ए का मतलब फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 7, nth टर्म ऑफ दिस एपी ए प्लस n माइनस 1 इनटू टी। ए का मतलब 3 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 7 क्या हो गया? 3 प्लस 7 n माइनस 7 क्या बचा इन दोनों में से? माइनस का 4 प्लस 7 है, ये इसकी nth टर्म है। सेकंड के नेत्र में कैसे आएगा? a का मतलब 63, कॉमन डिफरेंस का मतलब होगा 2। तो इस ap की nth टर्म अगर निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a का मतलब 63 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2 क्या आएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2 क्या बचा? ध्यान से इन दोनों 60 प्लस 2n ये क्या है? nth टर्म ही है, इसकी nth टर्म ये है, दोनों की nth टर्म सेम है, सेम का मतलब इक्वल है। अब 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4 क्या बचा? 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो n क्या आएगा? 13। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी 13 टर्म निकालोगे और इसकी 13 टर्म दोनों बिल्कुल सेम पाएंगे, तो इन दोनों की 13 टर्म इक्वल हैं। ये एक एपी है, इस एपी की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है? कॉमन डिफरेंस 10। इस एपी में ए का मतलब फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस क्या है? 10। क्वेश्चन ये व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी, ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म विल बी, व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन 31st term, what does it mean? Which term? इसकी कौन सी term नहीं पता? जब भी नहीं पता तो nth term, which term? कभी भी कोई term ना पता हो तो मान लो क्या, nth term will be 130 more than 31st term, ऐसे लिखोगे ना? इसका मतलब क्या होगा? Which term of this AP? इस AP की कौन सी term? नहीं पता कौन सी term? नहीं पता तो let the nth term of this AP will be 130, क्या है 130? More than 31st term, पहले तो ऐसा लिखना है। अब nth term of the AP पता है हमको क्या होता है? a plus n minus 1 into d will be 31st term AP की a plus 30d plus 130 a की जगह क्या रखना है हमको? 5। वैसे हम देख रहे हैं ये वाला a इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, इधर जाकर माइनस है, तो ए से कट जाएगा दोनों तरफ, क्या बचा? n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस पता है 10, यहां पर 10 इज इक्वल टू 30 कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 130, इसको इससे करा क्या आएगा? 10 इज इक्वल टू ये कितना प्लस 130 430, तो 10n is equal to 440, n is equal to 44, n को 44 रख दो। अब क्या पता चल रहा है? 44 टर्म जो है, कौन सी टर्म? 44 टर्म will be 130 more than 31st, कौन सी टर्म? 44 टर्म will be 130 more than this। अब एक दिन टेस्ट भी है तो भी टेस्ट इशू होती है। अब इस एपी में क्या पता है हमको? फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कौन सी टर्म ऑफ दिस एपी ये पूछा है। क्या क्वेश्चन है? विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म नहीं पता कौन सी टर्म, तो लेट द nth टर्म विल बी 130 मोर देन 31st, तो ऐसा लिख दो ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, जब भी नहीं पता कौन सी टर्म, तो nth टर्म ऑफ दिस एपी
will be 130 more than the 31st term, है ना? अब फॉर्म वाले पुट कर दो n th term होता है a plus n minus 1 into t plus n minus 1 into t will be 31st term a plus 30 होता है ना? 31st term क्या होता है? a plus 30 और plus 130 क्या दिख रहा है हमको? a से a से क्या बचा? n minus 1 into 10 में common difference हो तो 10 है is equal to क्या आएगा? 30 into 10 common difference की जगह 10 plus 130 अब 10n minus 10 is equal to 300 plus 130 430 इधर जाकर प्लस हो जाएगा फॉर 10n इज इक्वल टू 440 तो n इज इक्वल टू 44 यहां पर n की जगह 44 रखें तो क्या स्टेटमेंट बनी कि 44th टर्म विल बी 130 मोर देन कौन सी टर्म अपर चल गया कौन सी टर्म 44 आप बताओ इस AP में a क्या है फर्स्ट टर्म 5 कॉमन डिफरेंस क्या है 10 क्वेश्चन में क्या पूछा है Which term of this AP? इस AP की कौन सी term? जब भी नहीं पता कौन सी term, तो let the nth term of this AP. आगे statement लिख रखा है. Which term of this AP will be 130 more than the 31st term. अब nth term के लिए formula a plus n minus 1 into t will be 31st term of the AP. a plus 30 और प्लस 130 ए से ए कट जाए क्या बचा n minus 1 into 10 इनटू कॉमन डिफरेंस तो 10 इज इक्वल टू 30 इनटू 10 कॉमन डिफरेंस 10 प्लस 130 इसको इससे करा क्या आएगा 10n minus 10 इज इक्वल टू 430 क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 440 तो n इज इक्वल टू 44 n की जगह क्या रखेंगे 44 क्या कहेंगे अब हम 44 इस AP की जो 44 टर्म है दैट विल बी 130 मोर देन द 31st टर्म ये केपी है 3 10 17 टेस्ट है इस एपी में ए क्या दिख रहा है फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस क्या है एन माइनस 3 7 विच टर्म ऑफ दिस एपी विच टर्म ऑफ दिस एपी मींस nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 84 मोर देन 84 मोर देन द 13th टर्म ठीक है क्वेश्चन में क्या पूछा है इस एपी की कौन सी टर्म नहीं पता कौन सी टर्म तो लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 84 मोर देन द 13th टर्म आगे तो बहुत सिंपल है nth टर्म का मतलब a plus n minus 1 plus n minus 1 into t will be 13th टर्म क्या हो गया a plus 12 और plus 84 a से a क्या लिखेंगे अब n minus 1 into 7 common difference तो 7 is equal to 12 into 7 into 7 plus 84 क्या होगा ये 7 n minus 7 is equal to 84 plus 84 तो 178 ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा 7 n is equal to 175 n is equal to 175 upon 725 तो यहाँ पर 25 डाल दो तो क्या हुआ इसका मतलब 84 मोर देन द 13th अब बताओ a क्या इसमें b कॉमन डिफरेंस 7 व्हिच टर्म ऑफ दिस ap ap की कौन सी टर्म नहीं पता दैट द nth टर्म विल बी 84 मोर देन द 13th टर्म तो nth टर्म ऑफ द ap a प्लस n माइनस 1 इनटू b विल बी 13th term of the AP, A plus 20 plus 84, दोनों तरफ A से A कैंसिल, अब n minus 1 into 7 into common difference 7 is equal to 12 into 7 plus 84, क्या है यहाँ पर 7n minus 7 is equal to 84 plus 84 168, 7n is equal to 175, so n will be
175/7 25, तो n की जगह यहाँ पर 25 डाल दो, क्या पढ़ रहे हैं? 25th drum will be 84 more than the 13th drum. इस एपी में एक है फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस क्या है? विच टर्म ऑफ दिस एपी? nth टर्म. विच टर्म ऑफ दिस एपी? नहीं पता कौन सी टर्म, तो मान लो nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 39 मोर देन द 36th टर्म. ये बना ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, तो लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 39 मोर देन द 36th टर्म. अब सॉल्व कर लो, क्या लिखना है? ये प्लस n माइनस 1 इनटू d विल बी 36 टर्म का मतलब हो गया a प्लस 35 d और प्लस 39 a से a. क्या लिखेंगे हम? n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, तो 3 इज इक्वल टू 35, कॉमन डिफरेंस की जगह 3 प्लस 39. क्या है इसको इससे माइनस 3 इज इक्वल टू 105 प्लस 39 144, तो 3n इज इक्वल टू 147. सो n इज इक्वल टू 147 अपॉन 3, क्या आएगा? 49. तो यहां पर क्या रख देंगे? 49. तो कौन सी टर्म इस एपी की? 49. जो कि एपी की 36 टर्म से 39 ज्यादा है. ये तीन नंबर एपी में है, किस चीज में? एपी में. अगर आपसे मान लो कोई कहे 4, 7, 11 एपी में है, तो आप कहोगे नहीं, गलत बात है, क्यों नहीं है एपी में? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 3 है, यहाँ पर डिफरेंस 4 है, ये एपी में नहीं हो सकते. कोई कह रहा है ये एपी में, तो गलत स्टेटमेंट है. अगर मान लो कोई कहे 4, 8 और 12, क्या ये एपी में? क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 4 और इनका डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है. अगर कोई कहे 8, 15 और 23, क्या ये एपी में है? यस या नो? नो सर. इनका डिफरेंस क्या है? 7. इनका डिफरेंस 8. नहीं, ये एपी में नहीं. इस बार उन्होंने कह रखा है ये तीनों नंबर एपी में हैं. ये उन्होंने कह रखा है ये क्या है? तीनों नंबर एपी में. अगर ये एपी में है, तो डिफरेंस सेम ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होंगे एपी में. स्टेटमेंट में गिवन है कि तीनों नंबर्स क्या है? एपी में. एपी में इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए. कौन सा डिफरेंस लिखेंगे पहले? सेकंड टर्म. पहले सेकंड टर्म ब्रैकेट में लिखना है. सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म हियर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? दिस माइनस दिस, जो इन दोनों का डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस, x प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में. अब तो सिंपलीफाई करना है, सबको आता ही होगा. 4x minus 1, ये क्या हो जाएगा? minus 5x minus 2 is equal to x plus 2 minus 4x plus 1. इन दोनों x में से ध्यान से देखोगे तो बचेगा minus 1x. ये दोनों digit minus 3 is equal to ये minus 3x और plus 3. x एक तरफ रख लो, यहाँ पर minus x है और प्लस 3x is equal to 3 प्लस 3. यहाँ पर क्या बचा? 2x is equal to 6. x is equal to 3. वो कहना चाह रहे हैं x की जगह अगर 3 रख दोगे तो ये नंबर ap में हो जाएंगे. खुद भी चेक करके देख लो कि x को 3 रखने पर हो जाते हैं ap में. अगर x को यहाँ पर 3 रखा 17, तो ये होगा 3 रखा 11 और यहाँ पर 3 रखा 5. अब देखो इनका डिफरेंस क्या है? 6 नहीं है, माइनस 6. दिस माइनस दिस भी ठीक है, तो इसका मतलब आंसर ठीक है, क्योंकि ये नंबर अगर ap में है तो स्टार्टिंग वाला. जल्दी कर लो, इतना तुम टाइम मत लगाओगे. हाँ, ये तीनों नंबर्स किस चीज़ में कह रखा है? स्टेटमेंट में.
एपी में होने का मतलब क्या होता है बताओ? अगर एक ही नंबर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस यहां से रखना, जो भी सेकंड टर्म है ये सेकंड टर्म लिख दिया सेकंड माइनस कभी भी तो ब्रैकेट में माइनस फर्स्ट टर्म ये डिफरेंस आ गया। ये इक्वल आना चाहिए, किस चीज के इक्वल आना चाहिए? दिस माइनस दिस से जो डिफरेंस आए और दिस माइनस दिस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी ऐसे दिया हो कि तीन नंबर एपी में तो क्या करेंगे, माने इस डिफरेंस कैसे निकलेगा? और ये ध्यान रखना ब्रैकेट का सेकंड माइनस फर्स्ट, अगर ये एपी में तो जो दिस माइनस दिस है वो इक्वल होगा दिस माइनस दिस एक्स प्लस और माइनस ब्रैकेट में 4x माइनस 1। अगर ये नंबर एपी में है तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, आगे सॉल्व कर लोगे ना उससे x की वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर है। दीज आर इन एपी, ये दे रखा है बताओ a माइनस 2। ये अगर AP में है तो इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस सेम है, डिफरेंस कैसे निकलेगा बताओ? सेकंड टर्म पहले ऐसे निकलो फिर माइनस ब्रैकेट में लिख जाएगा पहले ये फर्स्ट, हो गया ना। अगर ये नंबर AP में है तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस नंबर थर्ड नंबर माइनस का भी होगा ब्रैकेट में, इससे गलती नहीं होगी, ऐसे कर लो। अब तो सॉल्व भी करना है, a माइनस 2 माइनस a is equal to 3a minus a plus 2 plus 2। यहाँ पर तो कह रहे हैं माइनस a और प्लस a तो कट ही जाएंगे अपने आप ना, माइनस 2 यहाँ बचा is equal to इन दोनों में से बचा 2a और प्लस 2। अब इसको इधर ले आओ, माइनस 2 यहाँ पर है, ये इधर जाकर माइनस 2 is equal to 2a ना, ये भी लगा ले इज इक्वल टू, ये तो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2a तो 2a इज इक्वल टू माइनस 2 a माइनस 2 माइनस 2 क्या आंसर, क्योंकि गिवन क्या स्टेटमेंट में तीनों नंबर्स क्या है एपी में है, अगर तीन नंबर एपी में तो उसका मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस सेम है। जो सेकंड टर्म है ये लिख दिया सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस 3a और माइनस ए माइनस टू, बस इनको सॉल्व कर लेना वो आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, क्या पूछा इन्होंने? जो nth टर्म है उसी को जनरल टर्म कहते हैं, क्या पूछा? फाइंड द जनरल टर्म, जनरल मींस nth टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको? जनरल टर्म nth टर्म ऑफ द एपी हु सेवंथ टर्म, उस एपी की जो सेवंथ टर्म है वो तो माइनस वन है और जो सिक्सटीन्थ टर्म है वो सेवनटीन है, क्या है सिक्सटीन्थ टर्म? अब आपसे कोई पूछे सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म होता है ए प्लस सिक्सटीन, वो तो पता है माइनस वन, सिक्सटीन्थ टर्म होता है ए प्लस फिफ्टीन टी।